शाहन ने बॉल कराई पहले रोहित शर्मा को साफ किया फिर राहुल जो है ना केएल राहुल उसका डंडा उड़ाया तो पीछे से लग रहा था कि बस अब हम मैच जीत गए उन दो विकेटों के बाद क्योंकि उसके बाद इंडिया पूरे मैच में खड़ी नहीं हुई क्या इंडिया डरी हुई थी तो दस विकेटों की विक्ट्री भारत के खिलाफ वो बार बार मौका मौका करके हमें जो है ना तबाने की कोशिश करते थे और आप लोगों ने एक ही मौके में सारा कर्ज उतार दिया

उसने जो है ना फेवर कर दी या हालांकि सारे बॉलर पिट रहे थे उनके तो रिजवान को भी उस चीज़ ने हर्ट किया पाकिस्तानी शायकी ये भी एक्सट्रीमिज्म पे आ जाते हैं जब आप लोग परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं इंडिया हारी तो कोहली की बेटी तक के लिए जो है ना धमकिया दी गई समझते हैं कि ये पाकिस्तानी शायक और इंडिया के शायक में ये फ़र्क है कि हम जितना भी गुस्सा करें अखलाकियात से नहीं जाते वो अखलाकियात से चले जाते हैं घरों पर पथराओ धमकिया ये सब विकेट कीपर का बेंच में बैठना कितना तकलीफ दे होता बेंच में बैठना मेरे ख्याल आप बैठते रहे और एक बैठ रहा है आजकल नहीं देखिए जी बेंच सुना है कि आप वार्म अप भी नहीं छोड़ते रोजे में मैच तो मैच है और ट्रेनिंग सेशन में भी आप जाके ट्रेनर को कहते हैं कि ईमानदारी से ट्रेनिंग कराना और उतनी कराना जितनी मुझे बगैर रोजे के कराते हो ऐसा है मुझे सिर्फ ये बता दीजिए ये बात आपको किसने बताई है क्योंकि ये ऐसी बात है कि ये तो बिल्कुल मेरे और ट्रेनर के درمیان हुई थी ये बात दिस वन कबिश किया इश्क आज बचोगे यार तो वाली